हेलो एवरीवन, आज हम यूनिक कोड के बारे में और एक्सप्लोर करने वाले हैं। यूनिक कोड आपका जो एक है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसमें प्रत्येक नंबर को एक कोडिंग दी जाती है। जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं, ठीक है, जो भी हिंदी के आर्टिकल लिखते हैं, सारी चीज़ें यहाँ इसमें इनकोडिंग होती हैं। आपको कोई भी अलग से फॉन्ट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। द एडवांटेज इज़ दैट यूनिकोड कैन बी यूज इन एनी सॉफ्टवेयर और इन लैंग्वेज। इसका एडवांटेज ये है कि इसका जो यूज़ है किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं और कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। यूनिकोड इज़ बीइंग यूज्ड इन कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। यूनिकोड का यूज जो है कभी भी कहीं भी हम कर सकते हैं, अक्रॉस द कंट्री, बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। द टेक्स्ट और कंटेंट टाइप्ड इन यूनिकोड डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म व्हेन इट इज़ टेकन एनीवेयर। देखिए, जब इसके द्वारा टाइप किया गया टेक्स्ट जो भी हम टाइप करते हैं यूनिकोड में, वो कभी चेंज नहीं होता है। चाहे हम इंदौर से, जहाँ इंदौर में हों, चाहे हम विदेश में हों, चाहे कहीं भी हों, तो इसकी हेल्प से टाइप किया हुआ टेक्स्ट जो है उसी तरह से बना रहता है, ठीक है। सो दैट इट कैन बी रीड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि हम इसको कहीं से भी रीड कर सकें। सो देयर इज़ नो नीड फॉर अ पर्टिकुलर फॉन्ट। इस वजह से कोई पर्टिकुलर फॉन्ट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा एमएस वर्ड, जब हम काम करते हैं तो हम बहुत सारे फॉन्ट में काम करते हैं, अलग अलग फॉन्ट रहते हैं, जैसे कर्तिदे हो गया, ठीक है, और मोनोटाइप कर्सिवा एमएस हो गया। तो ये बहुत सारे आपके फॉन्ट होते हैं। अगर आपके पास वो फॉन्ट नहीं है तो फाइल सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें कोई भी फॉन्ट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। यूनिकोड कैन बी चेंज इस इन मोस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। यूनिकोड जो है बहुत सारी लैंग्वेज को चेंज करता है और अपने आप लैंग्वेज को जो है अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वीडियो रिलेटेड टू यूनिकोड, एंड मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लोर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।